प्यार की अनुभूति, बड़ा गहरा शब्द है भाई, प्यार की अनुभूति। हमने तो सब कुछ दिया कि एक दिन उन्हें हमें प्यार करना ही होगा। हमने वो सब कुछ किया जिससे हमें लगा था कि एक दिन उनका प्यार मिल जाएगा। वो सब कुछ करने के बाद भी वो नहीं बदले। जिस प्रयास से हमने प्रेम किया, जिस प्रयास की वजह से, जिस प्रयास को कर करके हमने प्यार पाने का प्रयत्न किया, वो सब नहीं हुआ। भरसक प्रयत्न करने के बावजूद भी रिश्तों को संभालने की कोशिश करते रहे, हमें लगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि उनका प्यार हमें मिल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज आपको क्या कह रहा हूं, खड़ी हल्दी और थोड़ी सी खड़ी धनिया, दो चीजों की आवश्यकता है सामग्री में। सामग्री में क्या चाहिए, खड़ी हल्दी, खड़ी धनिया। ये दो चीजों के सपोर्ट से, सहयोग से उस एहसास में सुहास का प्रवाह होगा। कागज के पुष्पों में सुगंध भरने का काम कर रहा हूं आज। आज मैं कह रहा हूं कि प्रयत्न रिश्तों में सुमधुरता भरने के लिए। जिस प्रकार से नींद नहीं आने पर रात बेकार लगती है, जिस प्रकार भूख नहीं होने पर भोजन बेकार लगता है, प्यास नहीं होने पर पानी की कोई वैल्यू नहीं होती, वैसे ही प्रेम में एहसास ना हो तो प्रेम का कोई मूल्य नहीं है। देखो, हम जब किसी को अपना मानते हैं, जब किसी को दिल देते हैं, जब किसी के साथ सच्चा प्रेम, जब किसी के साथ रिश्ता बनाते हैं, जब किसी के साथ संबंधों पर बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अंतरंगता का संकेत है। ये भारतवर्ष है, ये पाश्चात्य सभ्यता का देश नहीं है। हाँ ठीक है, कुछ हवाएं, कुछ बयार, कुछ खुशबू वहां की भी हमारे देश में आने लगी है, बुराई नहीं है उसमें। लेकिन हमारा जो बेस है ना, हमारा जो मूलभूत स्वरूप है ना, वो अभी भी देशी है। हम कितना भी विदेशी हो जाए, पर अभी भी हमारे अंदर वो निजता, वो स्वयमेवता, वो वास्तविकता अभी भी कूट कूट कर भरी है। हमारे यहाँ की लड़की कितनी भी मॉड हो जाए, पर उसे ये बात अभी भी पता है कि ये गलत है और ये सही है। हमारे यहाँ का लड़का कितना भी यो हो जाए, कितना भी मॉड हो जाए, कितना भी नए शहर में पहुंच जाए, उसके बावजूद भी उसे ये जरूर पता है कि मैं गलत हूं या मैं सही हूं। हम जब झूठ बोलते हैं तो हमारे मन में अभी भी हमारी आंखें साथ नहीं देती, हमारे रूट में नहीं है ना ये सब। ये देश पवित्र सतियों का है, ये देश सावित्री जैसी स्त्रियों का है जिसने यमराज से भी अपने पति को छीन लिया था। धनिया की खड़ी बीज ले लें और उसके अंदर हल्दी रख करके अभिमंत्रित कर लें। ओम धुर्जटायै नमः, ओम धुर्जटायै नमः, ओम धुर्जटायै नमः, ऐसा तीन बार बोलिए और उसे अभिमंत्रित कर लीजिए। अभिमंत्रित करने के बाद आंखें बंद करके उस एनर्जी का एहसास करना और अपने मन की बात कहना कि अपने प्यार के दिल में, उसके दिमाग में कौन सा एहसास तुम बोना चाहते हो। अब देखो, एक और ताकत की बात कर रहा हूं। जिस भी खेती में उपजाऊ स्थिति कम हो, उसमें धनिया बिछा देने से वो जमीन उपजाऊ हो जाती है। तुम जो भी बोना चाहते हो, जो भी बीजारोपण करना चाहते हो, अपने प्यार के मन में, दिमाग में, बुद्धि में, दिल में, वो सब तुम आज सोच डालो, अपने मन में वो सब बातें कह डालो। आप देखो, उसके बाद चीजें आपके पक्ष में होंगी। अब करना क्या है, अब इसको काले कपड़े में बांध दो। काले कपड़े में क्यों, क्योंकि काला वो रंग है, इसके बाहर कोई चीज नहीं जाती, इसकी एनर्जी बाहर नहीं जाएगी। उसमें बांध कर अपने बेड के नीचे रखो, गद्दे के नीचे, तकिए के नीचे, और इसको मैक्सिमम टाइम रखो, बार बार रिपीट करो, इसको बाहर फेंको, दूसरा बनाओ, दूसरा रखो, तीसरा बनाओ, चौथा रखो। ये काम तब तक करते रहना जब तक तुम पूरी तरह से सफल नहीं हो जाते। और अगर कदाचित तुम पति पत्नी उसी बिस्तर पे रहते हो, तो सच मानो कि इसका प्रभाव और ज्यादा जल्दी पड़ने लगता है। ओम नमः शिवाय।